जब इनका संघर्ष हुआ तो ये थोड़े क्रूर ज्यादा थे, स्पेनिश लोग बहुत क्रूर थे और बहुत निरंकुश थे और बहुत निर्मम थे। दया, प्रेम, करुणा ये सब उनमें कहीं था ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में कहीं नहीं था। तो जब तक उन्होंने लूटने दिया अपने आप को माया सभ्यता के लोगों ने, तब तक इन्होंने लूटा। जब उन्होंने प्रतिरोध करना शुरू किया तो इन लोगों ने कत्लेआम करना शुरू किया उनका, और माया सभ्यता के 11 करोड़ लोगों का कत्लेआम किया है। 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, 11 करोड़ लोगों का नरसंहार किया इन लोगों ने, खत्म कर दिया। और नरसंहार तलवार और बंदूक के ही दम पे नहीं किया, कई कई तरीकों से किया। पता है तरीके क्या थे? जैसे ये माया सभ्यता के लोगों के बीच में जाया करते थे और देख लिया कि उनकी संख्या ज्यादा है और इनकी फौज कम है, ये मार नहीं पाएंगे, तलवारों से भी नहीं काट पाएंगे, क्योंकि काटते काटते हाथ भी थक जाता है ना। एक सैनिक कितने लोगों को काटेगा? 10 को, 20 को, 100 को, 150 को, 1000, 10 हजार हो तो कैसे काटेगा? तो स्पेनिश लोग क्या किया करते थे, कंबल बांटते थे उनको, दान में कंबल दे रहे हैं आपको, और उनमें वायरस डाल देते थे, और वो वायरस मिले हुए कंबल जब वो ओढ़ते थे तो वायरस के इन्फेक्शन से लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे। ऐसे मारा इन्होंने माया सभ्यता के लोगों, खत्म कर दिया पूरी सभ्यता। फिर ये स्पेनिश लोगों ने जब ये कत्लेआम मचाया, लूटपाट की, तो स्पेनिश लोगों के साथ साथ अंग्रेज भी शामिल हो गए उसमें, फ्रांसीसी भी शामिल हो गए उसमें, और इन लोगों ने भरपूर अमेरिका को लूटा, मूल अमेरिका को लूटा, लूट के कंगाल और खराब कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। और उसके बाद अमेरिका को जिंदगी भर गुलाम बना के रखना है यूरोप का, इसके लिए वहां बस्तियां बसाना शुरू किया। तो बस्तियां बसाई गई, जो मूल निवासी थे उनका कत्लेआम करके खात्मा करके खत्म कर दिया, और वहां पर दूसरी बस्तियां बसाई गई। तो स्पेन से लोगों को लाकर, पुर्तगाल से लोगों को लाकर, फ्रांस से लोगों को लाकर, अमेरिका ये इंग्लैंड से लोगों को लाकर, स्कॉटलैंड से लोगों को लाकर बसाया गया। और जो लोग सबसे पहले वहां जाकर बसाए गए वो लोग कौन थे, उनका इतिहास जब मैंने ढूंढा तो बहुत शर्म आती है ये बताते हुए कि वो सब जेल के कैदी थे। स्कॉटलैंड की जेलों में जो कैदी थे उनको अमेरिका भेज दिया, इंग्लैंड की जेलों में जो कैदी थे उनको अमेरिका भेज दिया। सबसे ज्यादा इंग्लैंड से गए थे। हाँ, इंग्लैंड के सबसे ज्यादा जो चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली, बदमाश, उन सबको जहाजों में भर के वहां भेज दिया। हाँ, माने अपने समाज का सारा कचरा, कूड़ा, करकट अंग्रेजों ने शिफ्ट कर दिया। ये हकीकत है, ये कोई मतलब पक्षपातपूर्ण बात नहीं है, मैं इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूं, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। समाज के सबसे छटे हुए गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लंपट, लफंगे, मवाली किस्म के लोगों को वहां भेज दिया, पुरुषों को, और जो वेश्याएं होती थी यूरोप की उनको भेज दिया अमेरिका। तो इंग्लैंड और यूरोप की वेश्या और लुच्चे, लफंगे, मवाली पुरुषों की मदद से जो पीढ़ी पैदा हुई है वो आज की अमेरिकन पीढ़ी है। ताली मत बजाइए इसको। नहीं, एक बात दूसरी भी सुनिए, अमेरिका में बहुत तरह के लोग रहते हैं, हम एक दृष्टि से ना देखें। अमेरिका में आज जो अमेरिका है, आज जो अमेरिका है, पूरी दुनिया के अच्छे लोग भी, सभ्य लोग भी अमेरिका में रहते हैं। आज अमेरिका अपने आप में कोई देश नहीं है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहां महीनों महीनों रहा हूं और सबको देखा है मैंने करीब से। मैं अमेरिका को सबसे ज्यादा गाली देने वाला आदमी था, लेकिन मैंने जब वहां लोगों को देखा, आज अमेरिका की हालत बहुत अलग है। देखो, अमेरिका आज जो है उनके मूल निवासी कोई है ही नहीं। कौन है मूल निवासी, जिनको रेड इंडियन बोलते हैं? मैं उनके घरों में गया हूं, मैंने वहां जाकर के उनको देखा, इतनी दुर्दशा है, उतनी दुर्दशा हमारे यहां के गरीब लोगों की भी नहीं है। हिंदुस्तान के जो मूल अमेरिकन है उन लोगों के लिए बाड़े बनाए हुए, अंधेरों में रहते हैं वो लोग, बच्चों को ना पढ़ाते हैं, वहीं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाते रहते हैं, ड्रग लेते रहते हैं, पड़े रहते हैं, कोई सुदबुद्धि नहीं उनको। आज भी वो मानो कि वो 15वीं-16वीं शताब्दी के जीवों की तरह रहते हैं, और उनको वो आगे ना बढ़े, वो कुछ मांगे नहीं। कल को वो ही रेड इंडियन बोलने लगे, सारे लोग तो बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि वहां पर ये सच बात है, रशिया के लोग रहते हैं, जापान के लोग रहते हैं, चीन के लोग रहते हैं, हमारे भारतीय वहां बहुत मजबूत है। आप सोच सकते हो, आज अमेरिका में जितने भी डॉक्टर हैं उसके 33% डॉक्टर हमारे भारतीय है। तो इसलिए वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, आज पूरी दुनिया के लोग उधर हैं,